हाय दोस्तों, स्वागत है आपका माय नॉलेज के एक दूसरे एपिसोड में। और आज हम एक बहुत ही अच्छे एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, और एक ही टॉपिक नहीं, बहुत सारे टॉपिक में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और शायद आपको ये वीडियो कभी कभी बोरिंग भी लगे और ये वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपना पीसी केस जब ओपन करते हैं तो आपको यहाँ भी मिलता है एक साटा पावर केबल। दोस्तों, ये बड़ी एक नॉर्मल बात है, पर यहाँ पे एक साटा पावर केबल तो है, पर यहाँ पे बीच में एक पोर्ट भाई साहब बैठे हैं, एक यहाँ पे एक पोर्ट है। तो ये पोर्ट का नाम आपको शायद नहीं पता होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, पता होना चाहिए। तो मैं आपको इस पोर्ट का नाम बता देता हूँ। ये जो पोर्ट है साटा पावर केबल के बीच में, इसका नाम है मोलेक्स फीमेल पोर्ट। तो और आपको इसका जो ये क्यों है और किस लिए है आपको शायद नहीं पता होगा, तो मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये पोर्ट बेसिकली एक बहुत ही अच्छे काम के लिए है। दोस्तों, एक बेसिक से चालू करते हैं। ये वाला जो साटा पावर केबल है, ये तो है ये वाली हार्ड ड्राइव के लिए, और ये वाला साटा पावर केबल है सीडी रोम के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं अगर अपने पीसी में एक नई हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करना चाहूँ तो मेरे पास अभी कोई साटा पावर बचता ही नहीं है, तो इसके लिए ये पोर्ट दिया गया है, और इसके लिए एक स्पेशल केबल आता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वो केबल कहाँ पे, हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है, मिल गया। तो दोस्तों, ये है वो केबल, देख लीजिए ध्यान से, ये है वो केबल, और इसको कहते हैं मोलेक्स 4 पिन मेल टू साटा पावर 15 पिन फीमेल, इसका फुल नेम ये है, और आप शॉर्ट में मोलेक्स केबल भी बुला सकते हो। तो इसको और इंसर्ट करना दोस्तों बहुत ही आसान है। ये वाला पोर्ट लीजिए, मोलेक्स फीमेल पोर्ट, और ये मोलेक्स मेल पोर्ट लीजिए, और यहाँ पे येलो वायर, यहाँ पे येलो येलो को मैच कीजिए, या फिर रेड रेड को मैच कीजिए। या इसकी पिंच दोस्तों थोड़ी हिलती है, देखिए दोस्तों, आपको शायद यहाँ से नहीं दिखता होगा, पर मेरे को दिखता है, देखिए दोस्तों हिलती है यहाँ। तो ये पिन हिलती है, तो आप जैसे इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे आपको थोड़ा मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, और ऐसे करके देखिए, ये दोस्तों भी फुल्ली इंस्टॉल, दोस्तों ये भी फुल्ली मतलब इंस्टॉल हो चुका है, और ये ज़रा सा भी हिल नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी इंस्टॉल हो गया। तो अभी मेरे पास क्या है कि इस हार्ड ड्राइव के लिए तो मतलब वो साटा पावर तो है, साटा पावर केबल है, पर अगर मेरे को भी दूसरी हार्ड ड्राइव लगानी हो उसके, तो भी अब तो भी मेरे पास दूसरा साटा पावर केबल भी आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, तो कई लोगों के दिल में इस मोलेक्स केबल के बारे में एक मिसकंसेप्शन है दोस्तों, वो मैं आप अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये मिसकंसेप्शन बड़ा ही अनोखा है। इसमें वो जो यूट्यूबर है या फिर जो भी है जिनके दिल में मिसकंसेप्शन है, तो वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पे फोर वायर्स है, मतलब फोर वायर्स है, और यहाँ पे 15 पिन्स है, तो वोल्टेज कन्वर्जन इसमें होता है, मतलब 12, मतलब वो वोल्टेज कन्वर्जन कुछ होता है, मेरे को कुछ डिटेल्स में पता नहीं है, पर मेरे को इतना पता है कि 4 पिन से 15 पिन वोल्टेज कन्वर्जन होता है। तो वो क्या सोचते हैं कि वोल्टेज कन्वर्जन अगर होता है तो हीट जनरेट होती है, वो सही है, हीट जनरेट तो होती ही है, पर वो क्या सोचते हैं कि जो हीट जनरेट इतनी होती, मतलब वो जो वोल्टेज कन्वर्जन होता है वो जितने इतने से ही एरिया में होता है, मतलब इतने छोटे एरिया में इससे हीट पैदा होती है, और इससे क्या होता है कि ये मेल्ट हो जाता है। ये इनके बारे में उनके दिल में मिसकंसेप्शन है। और दोस्तों, मैं अभी दिखा दूँ कि ये जो हमारा नॉर्मल जो हमारा साटा पावर केबल है, जो भी हमारे पावर सप्लाई में से आ रहा है, वो जो हमारे पावर सप्लाई में से आ रहा है दोस्तों, उसमें भी देखिए यहाँ पे 4 वायर्स है, और 4 वायर्स में से ये 15 वायर्स में से 4 वायर्स में से 15 पिन्स में कन्वर्जन हो रहा है वोल्टेज का, और वो भी इतने ही एरिया में। तो दोस्तों, अगर इसमें वोल्टेज कन्वर्जन हो सकता है बिना किसी मेल्टिंग किए या फिर बिना किसी आग लगे, तो इसमें क्यों दोस्तों क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तो सिर्फ मेरा लॉजिक है, शायद गलत भी हो सकता है, पर दोस्तों इसमें भी इतनी जगह में कन्वर्जन होता है,
और इसमें भी इतनी जगह में कन्वर्जन होता है, और दोनों का मटेरियल मतलब दोस्तों लगभग सेम ही है। तो दोस्तों ये है वो मिसकंसेप्शन इसके बारे में, जो कि मेरे को लगता है कि गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे कन्वर्जन होता है तो यहाँ भी कन्वर्जन होता है, यहाँ भी फोर वायर्स है, यहाँ भी फोर वायर्स है, तो कैसे मतलब आग लग सकती है? कुछ तो कहते हैं आग भी लग सकती है। तो दोस्तों यही था मिसकंसेप्शन दिल के बारे में, सॉरी इस केबल के बारे में लोगों के दिल में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वाकई में ये काम करता है कि नहीं। तभी मैं क्या करूँगा, मेरी जो हार्ड ड्राइव है इसको मैं इससे मैं पावर दूंगा, मतलब इसको मैं इसमें लगाऊंगा और इसको मैं इसमें इंसर्ट करूंगा, तो इससे पावर दूंगा और देखते हैं कि यह चालू होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, इसको इसकी पिंच दोस्तों देखिए हिलती है, देखिए दोस्तों। तो इसको क्या करना होगा, आप ऐसे रख दीजिए और इसके पिंस को ऐसे सेट कर दीजिए इसके हिसाब से और थोड़ा प्रेस कीजिए। तो दोस्तों अभी ये इंसर्ट हो चुका है मतलब एकदम फुली। तो अभी इसको मैं हार्ड ड्राइव इंसर्ट करूंगा इस केबल को। गया ये, दोस्तों ये सक्सेसफुल इंसर्ट हो चुका है। और अब हम हमारे पीसी को बूट करते हैं और देखते हैं कि ये पीसी बूट होता है कि नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारे पीसी के स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सक्सेसफुली बूट कर चुका है। दोस्तों मैं अगली वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने बताया कि वो मोलेक्स केबल के बारे में लोगों के दिल में मिसकंसेप्शन है कि वो जल जाता है, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा कंप्यूटर वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो हार्ड ड्राइव है उसको हम नॉर्मल साटा पावर केबल से पावर देंगे और फिर हम कंप्यूटर को 10 मिनट्स के लिए चलाएंगे। फिर हम वो साटा पावर केबल का टेम्परेचर चेक करेंगे और फिर हम मोलेक्स केबल से उसको पावर देंगे और फिर हम कंप्यूटर को 10 मिनट्स चलाएंगे और फिर हम वो मोलेक्स केबल का टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर टेम्परेचर सेम आया तो कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों बाय।